हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ट्वेल्थ मैथ के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 तक कंप्लीट कर लिए थे। 22वां क्वेश्चन है कि 1 upon cos x - a और इनटू में cos x - b dx, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इसमें रिमेंबर पॉइंट रहता है कि cos x - a cos x - b, इसमें हमें sin a - b का आंसर हमें गुणा करना पड़ेगा। तो साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। अब इसमें क्या है, देखें यहाँ पे x भी आ रहा है साथ में, ऊपर x है नहीं तो यहाँ पे x भी आ रहा है, तो इसमें हमें x जोड़ देंगे और x ही घटा देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये रिमेंबर पॉइंट है। साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, अब इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि एक्स माइनस ए आ जाए और एक्स माइनस बी आ जाए। तो देखो एक्स माइनस ए के लिए हमें एक्स पहले तो एक्स माइनस बी लिख दे रहे हैं, साइन एक्स माइनस बी यानी इसको और इसको हमने साथ में लिख लिया, इसको और इसको। अब देखो हमें पहले लाना है एक्स, फिर माइनस का बी लेना है, तो इसमें से हम माइनस का कॉमन ले ले रहे हैं, इसमें से माइनस का कॉमन लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसको साइन ए माइनस बी यानी ये हमारा ए मान लेंगे, इसे पूरा कैपिटल, इसे बी मान लेंगे, तो इसको साइन ए माइनस बी से फॉर्मूला को खोल देंगे, क्या हो जाएगा 1 upon sin a - b। देखो साइन ए का मान कितना है एक्स माइनस बी, और कॉस बी बी का मान कितना एक्स माइनस बी, माइनस कॉस ए का मान कितना एक्स माइनस बी, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बी का मान है आपका एक्स माइनस ए और अपॉन में आपका लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब क्या करेंगे देखो, इसमें इसके नीचे भी लिख देंगे इसे और इसके नीचे भी लिख देंगे, तो देखो सॉल्व होगी क्या आता है 1 upon sin a - b इंटीग्रेशन। जब इसके लिए इसे लिखेंगे यानी साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी, बीच में चिन्ह माइनस का है। अब इसे ऊपर लिख लेंगे कॉज एक्स माइनस ए वो सॉरी कॉज एक्स माइनस बी और इसे लिख देंगे साइन एक्स माइनस ए। अपॉन में ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या कटेगा, कॉज एक्स माइनस ए से कॉज एक्स माइनस ए कट जाएगा और यहाँ पे एक्स माइनस ए है और साइन है, तो कॉज एक्स माइनस बी से यहाँ कॉज एक्स माइनस बी कट जाएगा। अब देखो ये एंगल एक जैसे हो गए, एक्स माइनस बी साइन बटा कॉज क्या हो जाएगा टेन, तो 1 upon sin a - b बड़ा क्वेश्चन लगा ले रहे हैं। अब इस इंटीग्रेशन को अंदर पहुँचा दे रहा है, इंटीग्रेशन साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस, जब इसका करेंगे तो साइन बटे कॉस ये भी है तो ये भी हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए डी एक्स।
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टेन एक्स का क्या होता था, साइन ए माइनस वी, टेन का क्या होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स, तो माइनस का लॉग कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस बी, ये भी माइनस का है ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है और इसका समाकलन माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस ए और प्लस का सी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ये लॉग एम माइनस एन लगा दे रहे हैं तो इसे पहले लिख ले रहे हैं, इसे बाद में तो क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी और प्लस का सी। लॉग एम, ये एम का मान है और ये एन का मान है, तो ये वाला तो ऊपर लिख जाएगा, क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता था लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता था लॉग, ये ऊपर लिख जाता था एम बट्टे एन, जब एम बट्टे एन लिख जाएगा तो इसी तरह से ये ऊपर लिख जाएगा और ये नीचे लिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी कोष्टक में लॉग इसे लिखते हैं कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी और प्लस का सी। चाहो तो बड़ा कोष्टक लगाइए आप, क्योंकि अब तो सॉल्व करने की बात ही नहीं है, और यहाँ का गुणा कर दीजिए, यानी बार अपॉन साइन ए लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस का सी, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है आपका, तो इसमें क्या करना होगा हमें इंटीग्रेशन, तो वो इसके नीचे भी लिख ले रहे हैं इसे और इसके हर में भी लिख ले रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो इसमें क्या करना होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ बचेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका शेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ साइन बचेगा वन अपॉन साइन हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट एक्स प्लस का सी, और इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑब्जेक्टिव था आपका, तो ऑब्जेक्टिव था आपका टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ये आपका पहला वाला भी ऑप्शन सही है, तो इसका ए सही हो जाएगा आपका, और 24 होता है ई पे एक्स वन प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई पे एक्स को आपका इसका समाकलन करना है, तो देखिए क्या करना होगा इसमें, इसमें एक काम कर रहे हैं इस ई पे एक्स एक्स को हम क्या मान ले रहे हैं टी मान, तो माना ई पे एक्स इंटू एक्स बराबर टी, इसे फर्स्ट सेकेंड से समाकलन अवकलन करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इसका एक हो जाएगा, सेकेंड ऐसे लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, इसमें से ई पे एक्स कॉमन ले लेंगे आपका यहाँ बचेगा वन प्लस एक्स
dx बराबर dt। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे की जगह पर हमें क्या लिखना है, dt लिखना है। तो क्या हो जाएगा देखें, इंटीग्रेशन वन अपॉन ये cos स्क्वायर t और इसका हो जाएगा dt इस पूरे का मान। तो cos स्क्वायर को अंश में ले जाएंगे, यानी वन अपॉन cos स्क्वायर होता है आपका sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan t प्लस c, और t का मान लगा देंगे, t का मान था आपका e का x इंटू एक्स प्लस का c। तो 24 का ऑब्जेक्ट कौन सा सही है आपका, पहला तो एल कॉटेक्स इफेक्ट, हाँ बी, इसका बी ऑप्शन सही है, tan e का x इंटू एक्स प्लस c।